लिट्टी चोखा, वैसे तो मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया था, बट अभी जस्ट रिसेंटली एक बिहारी मॉम ने मुझे ये ट्राई करवाया एंड आई जस्ट फेल्ट इन लव विद दिस रेसिपी। इट इज़ सो 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 डिलीशियस, और बनाना भी देखने जाए तो बहुत ईजी है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से बच्चों को बैंगन खिलाया जाए ना, देन दे वुड जस्ट लव इट। सबसे पहले सत्तू लेना है जिससे हम लिट्टी का स्टफिंग बनाएंगे। उस पर थोड़ा सा गार्लिक, अदरक, हरी मिर्च, बहुत सारा अनियन, धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, नींबू का जूस, अचार मसाला और अचार। कुछ लोग अचार मसाला डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो आप उस हिसाब से अवॉइड भी कर सकते हो। और बस नमक डालना है और मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास सत्तू का आटा नहीं है तो आप बेसिक चने के आटे को ड्राई रोस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। तो बस अभी इसका स्टफिंग रेडी हो गया है। अभी लिट्टी का जो ऊपर का लेयर होता है उसका आटा गूंदेंगे। उसके लिए गेहूं का आटा लेना है और घी का मोन लेना है। भाकरी में जैसे हम मोन लेते हैं वैसा ही क्वांटिटी में मोन डालना है, और बस नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मोन एकदम प्रॉपरली मिक्स हो गया है। अभी पानी डाल के इसका भाकरी जैसा आटा गूंद लेंगे। इसमें अभी मैं मोन में वापस मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हो। आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है। जैसे हम राजस्थानी बाटी बनाते हैं, स्टफ्ड बाटी, बस ऐसा समझ लो ये एक टाइप की स्टफ्ड बाटी ही है। पर राजस्थानी बाटी जो है वो दाल के साथ खाई जाती है, और ये रोस्टेड बैंगन के एक मिक्सर के साथ खाया जाता है। तो बस अभी इसमें बीच में सत्तू का जो मिक्सर बनाया था उससे स्टफ करके अच्छे से सील कर लेना है, और ऐसे छोटी छोटी बाटियाँ जैसा रेडी कर लेना है। अभी हम चोखा बनाने के लिए सबसे पहले भरते का जो बैंगन आता है, जो थोड़ी बड़ी साइज़ का होता है, उसको लेना है और बीच में थोड़े स्लिट करके उसमें गार्लिक और हरी मिर्च को बीच में वो स्लिट में फिक्स कर लेना है। और अभी उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल लगा के उसको गैस पे अच्छे से रोस्ट होने देना है। आप ये प्रोसेस गैस पे भी कर सकते हो, चूल्हे पे भी कर सकते हो और ओवन में भी कर सकते हो। इसी तरह से टमाटर के ऊपर भी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के उसको भी गैस के ऊपर रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के वक्त बहुत ध्यान रखना है कि बीच में से कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए जितना धीरे धीरे इसे रोस्ट करेंगे उतना ही इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा। और एकदम काला होने देना है। हमको कभी कभार ऊपर से लगता है स्किन देख के कि हो गया होगा, बट अंदर से कच्चा होगा। आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली उसकी ऊपर की स्किन ब्लैक हो गई है, ये स्टेज तक उसको रोस्ट करना है। अभी जैसे ये ठंडा हो जाए तब उसकी ऊपर की जो ब्लैक स्किन है उसको निकाल लेंगे, और बस इसी तरह से टमाटर, बैंगन, ये सब चीज़ों को हाथ से ही अच्छे से मैश कर लेंगे। अभी इसमें बारीक कटी हुई अनियन, बहुत सारा धनिया, नमक, इसे मिक्स कर लेंगे। कितना सिंपल था ना। लिट्टी चोखा बनाना घर पे इतना आसान है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो बस अभी फाइनली मैं पनियारम का जो पैन होता है इसी में लिट्टी को सेक रही हूँ। आप चाहो तो बाटी कुकर में भी इसे सेक सकते हैं और चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे आई फेल्ट। पैन को थोड़ा घी से ग्रीस करके फिर बहुत ही धीमी आँच पे उसको सेकने देना है चारों साइड से। तो बस लिट्टी भी तैयार हो गई है और चोखा तो है ही। इसे आप सर्व कर सकते हैं फ्राइड चिली के साथ, और आप चाहो तो इस पे और ऊपर से घी डाल के इसे एंजॉय कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको लिट्टी चोखा कैसा लगा। मैंने तो जब पहली बार खाया तो मुझे तो बहुत 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 मज़ा आ गया।